अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ देख लीजिए, इस गली में खड़ी है हमारी गाड़ी। तो हम लोग जा रहे हैं घूमने सब लोग। तो फर्स्ट टाइम अपनी गाड़ी में हम करेंगे शिवपुरी में सैर सपाटा। तो अभी दूसरे दिन हम लोग जा रहे हैं ड्राइव पे। तो ये देख लीजिए, हम लोग बैठ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं स्कूल, जो कि हम कल नहीं जा पाए थे पढ़ने के लिए। हम अपनी गाड़ी का जो है तो आज गाड़ी जो है ना चला रहे हैं, ड्राइवर भी है। तो आप लोग सोचेंगे कि ये क्यों नहीं चला रहे, तो ये भी चलाएंगे। लेकिन आज इनको इसलिए बुला रही थी क्योंकि इनको थोड़ा सा लग रहा था कि मैं सही से चला पाऊंगा कि नहीं, तो इसलिए इनको बुला रही थी। लेकिन बीच बीच में जो है ना ये भी चलाने लगेंगे। और देखो, लगता है जब नई नई चीज़ सीखी होता है थोड़ा सा डर लगता है। तो बस हम लोग गए थे स्कूल, लेकिन स्कूल जो है ना बंद हो गया था, हम लोग लेट पहुँचे थे। तो फिर वहाँ से हम लोग आ गए हैं एजेंसी, क्योंकि इनको जो है ना कुछ चीज़ें और पूछनी थी गाड़ी के बारे में। और ये टूल बॉक्स है जो कि हमें नहीं पता था कि ये कहाँ है। तो यही सामान जो है ना ऐसे ही रखा हुआ था सीट के आगे, तो फिर हमें दिक्कत लग रही। तो भैया ने ये खोल कर दिखाया कि यहाँ पर ये टूल बॉक्स है जहाँ पर हम सामान रख सकते हैं आराम से, और ये पूरा पैक हो जाता है, जब ज़रूरत पड़े तो इसमें से निकाल लीजिए। तो ये देख लीजिए, पूरा फिट हो गया है अच्छे से। और कुछ और भी सामान है, ये किट रखी हुई है जो ब्लैक कलर की दिख रही है ना, ये किट है जो क्लीनिंग किट ली है हमने वहाँ से, ग्वालियर से ही, जहाँ से गाड़ी ली थी वहीं से। तो इससे पूरी सफाई वगैरह जो भी करनी है गाड़ी के अंदर की, वो पूरी इसी सामान से करना है। इसमें है सारा सामान। और ये है सिलेंडर जो कि गाड़ियों के साथ मतलब रहती होगी, जो CNG गाड़ी रहती है ना उनके साथ ये आग बुझाने वाला जो सिलेंडर होता है वो है। तो हम वही पूछ रहे हैं कि इसको किस तरीके से यूज करना है, तो वो बताया है। और फिर इसको रखना कहाँ पर है, क्योंकि देखिए गाड़ी में सब चीज़ों के लिए अलग अलग जगह बनाई हुई होती है जो कि हमें नहीं पता थी। तो भैया ने हमें सारी चीज़ें बताई हैं। और यहाँ पर हमारा जो CNG सिलेंडर है वो फिट है, तो वो रखा है, गाड़ी कवर रखा है इसमें। तो बस ये हमारी डिग्गी हो गई है बंद। तो बस अभी हम लोग आ गए थे घर वापस, और ये गाड़ी जा रही है अब दरगाह पर। ये लोग जा रहे हैं दरगाह और कब्रिस्तान, तो बस वहाँ पर गए हैं। हम लोग आ गए हैं घर पे, और अभी थोड़ी देर आराम करके ये गए हैं, पहले दरगाह पर जाएंगे और कब्रिस्तान जाएंगे। तो अभी ये गए हैं, पापा गए हैं, और मतलब ये दोनों भाई और पापा गए। तो बस अभी बच्चों को लगने लगी थी भूख, और ये लोग भी अभी नहीं आए थे, तो मैंने कहा चलो कुछ बना देती हूँ। तो बेटे से पूछा क्या बनाया, तो बेटे ने कहा मम्मी डोसा बना दो, नमकीन वाला, नमक वाला डोसा खाना था। तो बस यहाँ पे मैं बेसन के चीले बना रही हूँ, और इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ इसमें मैंने डाला है बेसन लिया है थोड़ा सा, और नमक डाला है, और चाट मसाला है, और थोड़ा सा मैगी मसाला रखा हुआ था वो डाल दिया है, और बस जीरा डाला है। तो यहाँ देख लीजिए, ये बढ़िया से हमारे डोसे तैयार हो रहे हैं। और बच्चों को है ना आजकल जो है ना मीठे की बजाय नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद आ रही हैं, तो मीठे डोसे की बोले तो उसने मना कर दिया, उसने कहा नमकीन खाना है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो अभी हो गया है टाइम 6:30 बज गए हैं, और बस अभी आलिया को मैं पढ़ा कर फ्री हुई हूँ। क्लास तो उसकी जल्दी हो जाती है, लेकिन अब क्या एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो उसको मैं क्लास ख़त्म होने के बाद भी जो है आइसक्रीम खा रहे पढ़ाती हूँ उसको। तो बस इसीलिए अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ। हिंदी पढ़ना सीख गई हिंदी पढ़ना सीख गई बेटी हमारी। आजकल जो है ना बच्चे मैथ जल्दी कवर कर लेते हैं और इंग्लिश जल्दी कवर कर लेते हैं, लेकिन हिंदी में जो है ना पीछे रहते हैं। तो जैसे ही आलिया है, तो आलिया को इंग्लिश का पीरियड होगा और मैथ का होगा ना, तो फटाक से कर लेगी। लेकिन जैसे ही हिंदी का पीरियड होता है ना, तो बस उसको दिक्कत होती है। तो लेकिन आज तो माशाल्लाह उसने अपनी हिंदी पढ़ ली है, तो आज 2 शब्द वाली हिंदी उसने कवर कर ली है अपनी, और अपने आप से उसने पढ़ लिया है। तो बस अभी मैं और कोशिश करूँगी, तो उसको 2-3 नंबर के और 4 नंबर के शब्द भी जो है ना पढ़वाना है उसको। और लेकिन उसकी जो पहली वाली मैडम है ना, वो भी अब मार्च तो चालू हो गया है, और उसमें उल्टा दिखाई देगा और वाला। तो आज आलिया बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि उन्हें पढ़ लिया है, और बस अपने पापा का इंतजार भी कर रही है क्योंकि उनको जाना है अभी पापा के साथ दोबारा से घूमने।
तो उनके पापा जो है ना अब कब्रिस्तान और दरगाह पे तो होली होंगे, लेकिन अब वो गाड़ी चला रहे होंगे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अभी अभी वो मतलब चलाना सीखे हैं और फिर न्यू गाड़ी है, तो बस उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैं बस चलाता रहूँ चलाता रहूँ, तो बस वो भी गाड़ी चला रहे होंगे इसीलिए नहीं आए हैं। तो बस अभी हम लोग जाएंगे रात में डिनर करने, क्योंकि गाड़ी लेने के बाद हमने सोचा था कि वैसे हमने प्लान किया था वहीं पर ग्वालियर में कि हम सब लोग डिनर करने जाएंगे, लेकिन वहाँ का प्लान हमारा फेल हो गया था, मतलब ऐसे ही हो गया, जो सोच के गए थे वो सब कुछ हम नहीं कर पाए। होता है ऐसा कि अगर कुछ होता है तो हम सोचते हैं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन ठीक है, माशाल्लाह हमारी गाड़ी घर आ गई और हमने मतलब फाइनली गाड़ी ले ली। सब लोग खुश हैं तो बस अभी आज हमने प्लान किया है कि हम लोग डिनर करने चलेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि आज पापा भी हमारे साथ चलें, क्योंकि पापा हमारे साथ कभी नहीं गए हैं डिनर करने, क्योंकि वो जाते नहीं हैं, तो देखते हैं कोशिश करते हैं ले जाने की अगर जाएंगे तो, लेकिन ज़्यादा जिद भी नहीं कर सकते हैं, बड़े हैं तो देखेंगे। तो अभी फाइनली फ़िलहाल ये खा रही हैं आइसक्रीम, उनको मिल गई है आइसक्रीम। क्यों आइसक्रीम खा रही हो? वो बाहर देख सकते हो अंधेरा हो रहा है, हल्का हल्का अंधेरा हो ही गया है, तो अब थोड़ी लेट धूप जाने लगी है, दिन डूबने लगा है, क्योंकि अब गर्मियों के दिन है तो बड़े दिन है इसलिए। और बेटू को वैनिला कप ज़्यादा पसंद है और इन लोगों को भी मुझे कौन भी पसंद है, कौन भी पसंद है, बटर स्कॉच, बस दो चीज है। और इनु अभी पता नहीं कह रही पापा गोड़ी यूज़ कर के पप्पो गोड़ी है इनु पापा ऐसे चेने ऐसे बोल रही थी मेरी गाड़ी कहती है मेरी गाड़ी। आज इसने बड़ा कांड होने से मतलब बच गया। इनाया ने क्या करा, जो होता है ना थर्मामीटर बुखार चेक करने का, वो अपने कान में डाल लिया और उस वजह से इसकी स्किन थोड़ी सी छिल गई, खून निकल गई, तो खून निकल आया था। और मैं किचन में थी, ये नहाने गई थी, तो ये अकेली यहाँ पर खेल रही थी, तो फिर जब मैं आई सिर्फ मैं 5 मिनट के लिए गई थी, सिर्फ 5 मिनट के लिए, वैसे मैं इसी के पास बैठी हुई थी। हम लोग इसको अकेला नहीं छोड़ते, कोई ना कोई तो इसके पास रहता है या फिर ये अपने चाचू चाची के पास रहती है, लेकिन भैया और ये तो थे ही नहीं। इस वाली कान में। और बुलबुल भी काम कर रही थी, छत पे गई थी कपड़े वगैरह धोने के लिए, तो इसलिए कोई नहीं था, तो बस इसने थोड़ी देर में ही अपना कांड कर लिया था। ये इधर ये कान है, इसके अंदर इसने डाल ली, इधर करो, अब तो साफ है, साफ है, क्योंकि मैं फौरन जो है ना इसको डॉक्टर के लिए गई थी, भैया गए थे, मैं और ये, तो मैं ना मतलब बहुत उस टाइम पर डर गई थी, और क्योंकि कुछ भी देखो बच्चे के शरीर है, कुछ भी हो सकता है, बच्चा डाल लिया है तो इसलिए, तो फिर लेकिन डॉक्टर ने बोला कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसने स्किन अपनी कर ली है, तो उस वजह से खून निकल आया है, तो अभी मेडिसिन दिए दवाई दी है इसको, और कल भी बुलाया है कि थोड़ा सा चेक करा लेना, तो बस कल भी जाएंगे हम लोग इसको लेके। बेफालतू में मतलब बेटे बिठाए कुछ ना कुछ बच्चे कर लेते हैं, और जब इतने बड़े बच्चे होते हैं ना इस उम्र के, तो बड़ी दिक्कत वाली चीज़ रहती है, क्योंकि बच्चे नाक में कान में कुछ भी डाल सकते हैं, इसका डर बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि एक बार हिनाया ने भी आलिया ने भी ना मोती डाल लिया था, मोती नहीं था वो, था थर्माकोल की जो गोली रहती है ना वो थी, ग्लव्स आए थे उस टाइम पर रुकने के लिए, उसने अपने 10th के पेपर दिए थे शायद या फिर 8th के, मतलब रुकने आई थी वो उस टाइम पर थोड़े दिन के लिए, तो उसके साथ खेल रही थी, और उसको है ना बनाने का मतलब कुछ कुछ सीनरी वगैरह बनाने का शौक था, तो वो बना रही थी, तो इसने लेके थर्माकोल की गोली अपने नाक में डाल ली थी, तो यहाँ चढ़ गई थी, तो फिर हम फटाफट से जो है ना डॉक्टर गए थे, वो तो ये कि डॉक्टर इतने होशियार रहते हैं कि उन्होंने फटाफट से छूटी थी, और मैंने ना एक गोली डाल दी थी नाक में, छूटी थी नाक में थर्माकोल घुस ऐसे करके घुस ली और वो ऊपर तक आ गई थी, यहाँ आ गई थी यहाँ, तो डॉक्टर ने बोला अच्छा तुम जल्दी ले आओ, बच्चे ने सूटी नहीं है, मतलब ऊपर को सांस लेते तो ऊपर और चली जाती, तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो हाल फौरन बहुत जल्दी से मतलब निकाल ली उनने, पता नहीं कैसे करके इंजेक्शन वगैरह से कुछ से निकाली थी, मैं तो रो रही थी
क्योंकि जब भी इनको कुछ होता है, अगर ये कुछ कर लेती है तो मैं मुझे बस देखती नहीं हूँ, बस रोना स्टार्ट हो जाता है मेरा अपने आप से। तो बस बच्चों को खाना तो हो ही गया था और आप लोगों से बात भी कर ली, तो बस अभी कपड़े वगैरह चेंज करके आई तो फिर मुझे भी भूख लगने लगी थी, तो मैंने कहा चलो अब रात का खाना बना ही लेते हैं। तो रात के खाने में आज बना रही हूँ मैं मटर पुलाव, काफ़ी टाइम से नहीं बनाया, तो मटर रखी भी हुई थी और फिर अब तो मटर का सीज़न जाने ही वाला है, तो इसलिए मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं। तो बस आप लोगों से बात करने के बाद मैंने मटर छीली और बस मटर पुलाव बना रही हूँ। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, मसाला भुना है मैंने जिसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है और धनिया पाउडर है और हरी मिर्च काट कर डाल दी है, गरम मसाले में प्याज को फ्राई किया, उसके बाद मसाला डाला और बस मसाले को भूनने के बाद उसमें हरी मिर्च और ये मटर डाल दी, मटर को फ्राई करने के बाद उसमें चावल डाल दी, पानी डाल दूँगी और एक सीटी ले लूँगी बस, और पानी जो है मैं चावल के बराबर डालती हूँ क्योंकि ये वाइट वाले चावल हैं तो इसमें मैं डबल नहीं डालती हूँ, बराबर डालती हूँ। ये कटोरा चावल थे तो एक कटोरा और थोड़ा सा पानी और डाला, और यहाँ मैं पानी को टेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं नमक टेस्ट करने की मेरी आदत है शुरू से ही, मेरी मम्मी की भी थी मेरी भी आदत है, नमक और तीखापन कैसा है अगर कम है तो मैं गरम मसाला डाल देती हूँ, तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाला है और नमक सही था, तो बस ढक्कन लगा दूँगी और एक सीटी ले लूँगी बस। तो अभी हो रहा है दूसरा दिन और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ मिठाई, तो ये लेकर आए थे ये लोग कल, लेकिन कल मैंने शेयर नहीं कर पाई, लेकिन आज देख लीजिए तो आए थे तो 4 डिब्बे आए थे, लेकिन अब 2 डिब्बे रह गए क्योंकि हम लोगों ने खा लिया है। तो यहाँ देख लीजिए तो क्या क्या मिठाई आई थी, तो ये आई थी हमारे मिठाई जो कि हम लोगों को पसंद है, तो वही मिठाई लेकर आए थे। और ये है दरगाह पर गए थे ये दोनों भाई गाड़ी लेकर, तो वहाँ का तबर्रुक है ये, पेड़ों पर फाते कराए थे मावा पेड़े हैं ये, और ये है चमचम मावा केक और ये बर्फी है, और ये है रसगुल्ले। तो अभी मैंने फ्रिज में से निकाल लिया, अभी हम लोग खा रहे हैं दोपहर का खाना, तो आज खाने में है दाल चावल, तो हम ये लोग ये खाएंगे और फिर हम जाएंगे आज गाड़ी में फिर से दोबारा। तो दाल हो गई है गर्म, तो आज बनी है खड़ी मसूर की दाल बनाई है जरूर ने, और चावल तो देख लीजिए। आज फिर से हम लोग जा रहे हैं घूमने, मतलब सीपरी में ही जा रहे हैं, लेकिन आज जो है ना ये गाड़ी चलाएंगे, ड्राइवर को नहीं बुलाया हमने क्योंकि कल इन्होंने देख लिया था, अच्छे से जान लिया था कैसे भीड़ में चलाना है क्या करना है, तो बस आज इन्होंने कहा चलो मैं चलाता हूँ खुद से, तो गाड़ी यहीं बैक करके रखी थी क्योंकि ये आए थे स्कूल से ये जो कॉपियाँ लेनी थी तो वो आज ये खुद ही लेकर आ गए थे अकेले ही, भैया गए थे साथ में और मैं नहीं गई थी। आपके यहाँ मैंने भैया से पानी मांगा, हमने कहा कोई अच्छा पानी हो ला के देना क्योंकि आपके जिले में अच्छा पानी नहीं है, प्यास नहीं बुझती, तो रोजाना 20 रुपये बोतल लेके निकलता हूँ, लौटते समय गाड़ी में गर्म हो जाती है, फिर मजा ही कितना हो जाता है। तो ये देखिए हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, जमाना चला गया, आपका जमाना गया, अब तो नारा जमाना गया, अभी हाँ प्लास्टिक ये देखो डोरी है, ये कितनी बड़ी होगी, एक मीटर होगी भाई साहब करे ले लीजिए, ये काट दीजिए दिया, ऊपर बराबर हो गया। तो बस हम लोग जैसे ही पटेल पार्क में एंटर हुए तो हमें ये दिखे, तो आज काफ़ी टाइम बाद हमें कुछ जादू देखने को मिला है इस तरीके से, बचपन में तो काफ़ी आते थे जादूगर जो जादू इस तरीके से दिखाते थे, पहले तो बहुत अलग अलग तरीके के दिखाया जाता था, लेकिन अब काफ़ी सालों बाद देखने को मिला है। तो बस हम यही देखने के लिए खड़े हो गए थे और थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली आप लोग साथ शेयर करने के लिए, तो चलिए बस अब अंदर चलते हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर थोड़ा सा यूं ही घूमने के लिए, और बच्चे तो खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ आकर उनको मिलते हैं झूले, तो बस अभी हम दोनों जो है ना बात करते हुए आगे जा रहे हैं, और ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि सारी भीड़ जो है ना वो जादूगर अंकल के पास ही है तो पार्क में कोई इतना नहीं था कोई भी, सभी लोग जादू देख रहे थे, और मैजिक जो खेल होते हैं बच्चों को देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है और अच्छा लगता है उनको क्योंकि वो रियल में दिखता है
टीवी वगैरह हम तो देखते ही रहते हैं, तो बस बच्चे जो है ना वही देख रहे हैं, तो इसलिए भीड़ यहाँ पर कम है, ज़्यादा कोई नहीं है, तो बस यहाँ पर बच्चे जो है ना अलीना आया झूला झूल रहे हैं, जिसके लिए वो खुश हो जाती हैं, पटेल पार्क का नाम सुनते ही जो है ना उछल कूद करने लगती हैं, बोलने लगती हैं झूला झूलेंगे क्योंकि यहाँ पर झूला मिलता है। तो बस पटेल पार्क से होते हुए हम लोग इधर से निकल के आए, तो आलिया मांग रही थी पिज़्ज़ा, जैसा कि आपको पता है कि आलिया का फेवरेट है पिज़्ज़ा, तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो आज हम उस होटल में आए हैं जिसमें मतलब रेस्टोरेंट में हम पहले खाना खाने आते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना ये पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह मिलने लगा है, तो बस हमने कहा पहले हैंड वॉश कर लेते हैं, क्योंकि जो है ना पार्क वगैरह में घूम फिर के आए ना, तो इसलिए हमने कहा हैंड वॉश कर लेते हैं। बस बेटू भी आ गए तो उनके भी हैंड वॉश करा देते हैं, और फिर हमने अपना ऑर्डर दे दिया है, तो बस एंजॉय करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए हम लोगों ने क्या ऑर्डर किया है, तो ये है बर्गर, और इनाया ने मंगाई है चाउमीन वो मैगी, और आलिया का आया है पिज़्ज़ा, और मेरा आया है वेज रोल। तो बस अभी हम लोगों ने ये अपनी अपनी एक एक चीज़ मंगा ली है, तो हम लोग करते हैं एंजॉय, और आप लोग बताना हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और माशाल्लाह अब ये गाड़ी भी सीख गए, तो अब तो हम ऐसे ही नई नई जगह जाने लगेंगे, और देखिए सीखते सीखते सारी चीज़ सीख जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग, अल्लाह हाफिज़।